डीजल से बाइक चला के देखेंगे। यहाँ पे देखिए डीजल इस बोतल में भरा हुआ है और अब इस गाड़ी में टैंक में डीजल डालते हैं और फिर देखेंगे ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे डीजल डाल रहे हैं। तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज देखिए मेरे पास ये डीजल है और यहाँ पे हमारा बाइक है। आप लोगों को इतना तो पता होगा ज़रूर कि पेट्रोल से बाइक चलता है, पेट्रोल जो है 99% प्योर होता है और डीजल जो है लगभग इसको 75% प्योर माना गया है। और जो है आज हम डीजल से बाइक चला के देखेंगे, डीजल डालेंगे टैंक में और देखेंगे बाइक चलता है कि नहीं चलता है। तो तुम लोग एक्साइटेड हो? हाँ एक्साइटेड। तो गाइज चलिए अब जाते हैं और बाइक में जो पहले से पेट्रोल है यहाँ पे उसको निकाल देते हैं यहाँ से बोतल ला और फिर चला के बाइक देखेंगे। तो यहाँ पे बाइक का पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो अभी इसको पहले बंद कर देते हैं यहाँ पे और इसको खोल देते हैं यहाँ पे देखिए। और जो है ये पाइप को उधर कर दिए, यहाँ पे देखिए पेट्रोल निकाल रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल निकल रहा है। मैकेनिज्म होता है कि पेट्रोल से ही चलेगा, डीजल से उतना सही नहीं चलता है, देखते हैं कैसा होता है, अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए पेट्रोल सारा ही ख़त्म हो गया, लगभग दो बोतल भरा है, 2 लीटर तेल था पहले से। तो अब जो है इसमें से पूरा निकलने देते एकदम अच्छे तरीके से और फिर जो है इसमें डीजल डालेंगे। देखिए यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे पाइप लगा दिए हैं, स्टार्ट करके जो भी पेट्रोल है इसके अंदर उसको निकाल देते हैं पूरा। तो अभी कर रहे हैं स्टार्ट इसको आगे से साइड। गाड़ी का सारा पेट्रोल खत्म कर दिए हैं इधर उधर नचा के, तो अभी थोड़ा और देखिए स्टार्ट अभी पकड़ नहीं रहा है, सारा तेल जो है खत्म हो चुका है इसमें जो भी था, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए इसमें चौक में भी देखिए स्टार्ट करके देख लेते हैं, स्टार्ट हो गया। गाइज देखिए चौक का भी तेल ख़त्म हो चुका है पूरा पूरी, अब जो है हम इसमें डीजल डालते हैं। डीजल लाओ इसमें, यहाँ पे देखिए डीजल है, अब इसमें डीजल डाल रहे हैं हम और अब जो है डीजल से बाइक चला के देखेंगे। यहाँ पे देखिए डीजल इस बोतल में भरा हुआ है और अब इस गाड़ी में टैंक में डीजल डालते हैं और फिर देखेंगे ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे डीजल डाल रहे हैं, डीजल डालने के बाद देखेंगे बाइक का क्या हाल होता है। तो गाइज आधा लीटर के आसपास जो है यहाँ पे डीजल इसमें डाले हैं और अब देखते हैं बाइक चला के बाइक चल पाएगा कि नहीं। यहाँ पे लगा दिए हैं और अब स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे। देखिए अभी स्टार्ट तो कर नहीं रहा, एक बार में पकड़ा नहीं, स्टार्ट नहीं पकड़ रहा है क्योंकि इसमें डीजल डाला गया है और देखते हैं इसमें डीजल आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो यही देखते हैं। तो देखिए डीजल नहीं आ रहा है, देखिए अब डीजल आना शुरू हुआ और इसको लगा रहे हैं, लगाने के बाद देखते हैं अब स्टार्ट होता है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा इस बार स्टार्ट पकड़ने का हुआ था, वो स्टार्ट पकड़ रहा था, देखिए स्टार्ट हो गया और अब चलाते हैं थोड़ा दूर। देखिए ये डीजल पे बाइक चल रहा है, ये ऐसे नहीं, ये डीजल पे जो है हमारा बाइक अभी चल रहा है, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है और थोड़ा एक्सलेटर चल रहा है, अभी चला के देखते हैं थोड़ा दूर और फिर देखते हैं चलता है कि नहीं। इसका एक्सलेटर है तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, देखिए बंद हो जा रहा है, ये बार बार बंद हो जा रहा है बाइक, जरा सा मतलब वो जो एक्सलेटर होता है वो कम हो जाता है थोड़ा जाने के बाद, वो कंप्रेशन नहीं बन पाता है जिससे कि गाड़ी आगे ज़्यादा दूर जा रही है। स्टार्ट हो जा रहा है एकदम आराम से, अभी थोड़ा देखिए चल रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है, चलने का तो कोशिश कर रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है, तो अभी थोड़ा चला के भी देखेंगे। तो आओ कैमरामैन बैठ जाओ, देखिए कंप्रेशन बार बार जो है ख़त्म हो जा रहा है बाइक का, ये डीजल में क्या होता है, स्टार्ट तो आराम से हो जाता है लगभग, बस ये थोड़ा सा कंप्रेशन नहीं बना के रख पाता है। देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है लेकिन कंप्रेशन नहीं बना रहता है।
देखिए यही हो जा रहा है, बार बार कंप्रेशन नहीं बन पा रहा है जिससे कि गाड़ी चले। नहीं तो डीजल में क्या होता है 75% ही प्योरनेस होता है। तो अभी इसको चला के देखते हैं सही तरीके और हम लोग जा रहे हैं चालान चलाते हुए। देखिए अभी चल रहा है डीजल पे, हमारा जो बाइक है वो चल रहा है, अभी डीजल पे चल रहा है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन कम हो जा रहा है, बीच में गाड़ी बंद होने का कोशिश कर रहा है जैसा कि आपको यहाँ लग रहा होगा। देखिए देखिए ये देखिए 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 पकड़ ले रहा है और बीच बीच में देखिए कैसे गाड़ी भों कर करके ये देखिए चल रहा है और कर 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 आवाज़ आ रहा है इंजन से जो है कर 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 आवाज़ आ रहा है। तो गाइस अभी फिर से बाइक स्टार्ट करते हैं, कंप्रेशन थोड़ा कम लेता है, थोड़ा आगे जाने के बाद धुक आने लगता है, गाड़ी धुक धुक करने लगता है। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं देखते हैं चलता है। देखिए यहाँ पे एक बार में ही गाड़ी इस बार स्टार्ट हो गया और अभी जाते हैं थोड़ा आगे और फिर देखते हैं जाके। ये देखिए हमारा बाइक चल रहा है एकदम बहुत अच्छे के तरीके से। देखिए धुआँ कितना दे रहा है बाइक, बाइक बाइक इसलिए धुआँ दे रहा है क्योंकि इसमें जो है पेट्रोल की जगह डीजल डाले हैं। तो ज़्यादा देर करेंगे ऐसा तो बहुत रिस्क भी हो सकता है, हमारा बाइक भी ख़राब हो सकता है। फिर भी थोड़ा और चला के देखते हैं, मज़ा आ रहा है क्योंकि नया एक्सपीरियंस है, डीजल पे बाइक चल रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए ये देखिए अभी कंप्रेशन इसका ख़त्म हो चुका है और ये बंद हो जा रहा है बार बार, तो ये सक्सेसफुल नहीं है माना जाए तो डीजल जो है सक्सेसफुल नहीं है गाड़ी में क्योंकि बहुत धुआं देता है और गाड़ी के इंजन के ऊपर इसका असर होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हम डीजल जो डाले थे एक बोतल था पूरा लगभग आधा लीटर, अभी बचा कितना है जबकि मुश्किल से गाड़ी आधा किलोमीटर भी नहीं चला होगा, आधा किलोमीटर थोड़ा चला घुमाए इधर उधर और देखिए डीजल कितना ज़्यादा ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा पता चलता है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा अभी तेल नहीं बचा हुआ, डीजल इंजन जो है ज़्यादा तेल खाता है पेट्रोल इंजन से क्योंकि पेट्रोल जो है ज़्यादा प्योर होता है, 99% प्योर होता है और डीजल 75% ही प्योर होता है। प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही रिस्क होता है, बाइक भी इसमें ख़राब होता है, इंजन भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।